समर्थन करो। राम बिराजे आज स्टाफ नहीं था, स्टाफ नहीं था आज अपना खुद का। सभापति जी, ये जो 88 संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये संशोधन है और सदन को इसमें, आपने ठीक कहा कि इसमें जो भी संशोधन और सुझाव देना है, जब कोई चीज पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से उसको सुझाव उसमें आना चाहिए और सुझाव मान्य सदस्यों ने दिया है, लेकिन इसकी अहमियत को कम आंकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है और इसके लिए हर पक्ष के लोगों को जो है समर्थन ही नहीं करना चाहिए बल्कि सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए। क्योंकि हम लोग रहे हैं, हमारे साथी यहाँ जयपाल रेड्डी जी बैठे हुए हैं, इसी सदन में हम लोगों को कितनी पीड़ा हुई है। क्योंकि जब किसी सरकार के ऊपर में लांछना लगती है तो उस सरकार के साथ में जो मंत्रिमंडल में लोग रहते हैं उनके ऊपर में भी लांछना लगती है, और जब 77 की बात आती है तो उस 77 के मंत्रिमंडल में हम भी थे और उस 77 के मंत्रिमंडल में जयपाल रेड्डी जी भी थे, और मुझको नहीं मालूम है कि रघुवंश बाबू थे कि नहीं थे। तो और जब ये मामला आया था, पांच क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर का मामला आया था और 97 में, और जब 5 गवर्नमेंट का ऑर्डर का मामला आया था और जब हम लोगों के नॉलेज में 30 अक्टूबर को वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये मामला लाया गया था, तो 3 नवंबर को उसी समय में हमने एक बहुत बड़ा कड़ा पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, और पत्र ही नहीं लिखा था बल्कि कैबिनेट में यदि मामला याद है तो हमारे साथी रेड्डी जी बैठे हुए हैं, जितना जोर से हो सकता था हम लोगों ने उस मामले को उठाया। हमारे अंडर में एक कमेटी भी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर में पहली बार होगा कमेटी का रिपोर्ट पेश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब मामला आया लागू करने का तो ये कहा गया कि साहब ये अभी तो पार्लियामेंट का चुनाव का घोषणा हो गया है और ये मेजर पॉलिसी का सवाल है इसलिए उसको नहीं किया जा सकता है। और जो साथी अभी मांग कर रहे हैं, यही बात हम लोगों ने भी उस समय में हम लोग मांग कर रहे थे, और ये भी बात सही है कि जुलाई के महीने में आ गया था GOM, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है हमेशा उसके स्टेट मिनिस्टर रहते हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा प्रधानमंत्री हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा कि भाषण देना या जितना जांग पर ताल चलता है तबला पर उतना नहीं चल पाता है। सरकार में हम सब लोग रहे हैं, सरकार की जब सरकार में जाते हैं तो सरकार की क्या मजबूरियां होती है, सरकार का क्या होता है, वो सब हम लोग हैं। और इस समय में भी ये भी जो प्रस्ताव आज आया है सदन के सामने में, हम सब लोग मिले थे उस समय में, प्रधानमंत्री से मिले थे जिसमें में हम लोग मंत्री नहीं थे 98 में, तो सारे के सारे मंत्री और हमको ख्याल है कि अध्यक्ष जी स्वयं बाल जोगी साहब, स्पीकर साहब, उनकी अध्यक्षता में हम लोग प्रधानमंत्री से मिले थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय में, और उन्होंने सारे के सारे जब लॉ डिपार्टमेंट से लेकर के और सारे के सारे जो अटॉर्नी जनरल सबको बुलाया था तो एक राय चल रही थी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है इसलिए इसको जो है हाई कोर्ट में जो है रेफरेंस के लिए भेजा जाए, और हम लोगों ने उस समय में तर्क दिया था कि हाई कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वहां आप रेफरेंस के लिए भेजेंगे तो उनके सामने में एक जो है उनके सामने में भी दुविधा उत्पन्न होगी। और मैं धन्यवाद सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन दिया। और जो बात मायावती जी ने कहा, उन्होंने ठीक कहा, जब हम लोग मिले थे 4-5-6 दिसंबर को हम लोग मिले थे, और उस 4-5-6 दिसंबर में मैं चाह रहा था उस समय में कि लीडर ऑफ द अपोजिशन यदि वहां रहती और कांग्रेस के सभी सदस्य वहां रहते तो नजारा और होता, लेकिन दुर्भाग्य से एक दो मैं कह रहा हूं आप थे, संतोष दी थे, 2-3 थे, लेकिन हमको उस समय का याद है आप लोगों का सीन देख करके कि आप लोग भी पहुंच गए थे इसी उम्मीद में कि कांग्रेस के सदस्य आएंगे, लेकिन जब आप लोगों को मालूम हुआ कि कांग्रेस ने बायकॉट किया है तो फिर आप लोग भी जो है इधर उधर देखे। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, मैंने तो आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट, बट वन मीटिंग रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड, व्हाट हैपेंड टू दैट? आई वॉज मेंबर, यू वर मेंबर,
हाउस को गलत बात नहीं बताना चाहिए, जो सत्य है वही बताना चाहिए। हम लोग प्रेजेंट थे वहाँ, जो ड्राफ्ट बनाया तभी भी प्रेजेंट थे, जो अपॉर्चुनिटी। मैं सर कोई, मैं फैक्ट्स रख रहा हूँ, सबका सिग्नेचर है। दो तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस से गए थे, सीनियर मेंबर्स जो जैसे आदरणीय बूटा सिंह जी हैं और भी क्या कहते हैं कि सारे साथी थे। मैं ये कहता हूं कि ये जब सारी बातें चलती है, इस बात में कहीं पार्टी पॉलिटिक्स आना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग जब गए थे, हम लोग आपको याद है कि 106 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे प्रेसिडेंट के यहां जब चुंदूर की घटना घटी थी, तो उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आया और उसका एक रिजल्ट भी आया। जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति की बात हम लोग करते हैं, वो दलित राष्ट्रपति का यदि कहीं से मुद्दा हुआ था तो सारे दल के लोगों ने, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और खासकर के दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आदिवासी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक साथ जुट करके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की बात हो तो इस तरह की बात में एक काउज को हम लोगों को सपोर्ट करने की बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बूटा सिंह जी कह रहे थे, बूटा सिंह जी ने कहा, उसमें एक मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, 4:30 बजे मंत्री जी इसका जवाब देने वाले। मैं खत्म कर रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बोलने के लिए। तो जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के लिए तो जा सकता है, लेकिन पिछली बार भी आप देखेंगे सिंधे साहब, तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जो 16 नवम्बर को जो जजमेंट आया मंडल कमीशन के तहत, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, आपने संविधान संशोधन किया, प्रमोशन में रिजर्वेशन फिर से लागू करने का काम किया, और संविधान की धारा 16(4)(a)(a) जोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट के सामने में जब मामला चला, 3 बेंच जो 3 जज के सामने में, तो 16(4)(a) जो संशोधन किया गया, उसके संशोधन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में नहीं लाया गया, और यही कारण हुआ कि संविधान संशोधन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का जो मामला था वो खत्म करने का काम किया। अन्यथा यदि आप देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन के समय में जजमेंट था 16 नवंबर को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये रिजर्वेशन 5 साल तक चलेगा, 5 साल के बाद उसके बीच में सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। तो 16 नवंबर के मतलब 16 नवंबर 92 से 16 नवंबर 97 के बीच में कहीं इंटरफेरेंस का सवाल नहीं आता था, लेकिन उसी बीच में एक दूसरा कोर्ट मामला गया, जो 9 बेंच ने जजमेंट दिया, लेकिन 3 बेंच में जब मामला गया तो उसमें यह मामला को नहीं लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संविधान में संशोधन हो चुका है, और नतीजा है कि उसके कारण दूसरा जजमेंट आया, और उस जजमेंट के कारण जो है ये सारा का सारा चीज जो है ये जो क्या कहते हैं कि मामला पीछे चला गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार ने 2 काम किया है। एक काम किया है कि आज क्या कहते हैं कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन जो खत्म कर दिया गया था वो लाया है। बहन मायावती जी ने कहा कि देर से आया है, देर से उसमें प्रोसीजर का मामला है, क्योंकि 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने यहां घोषणा किया था, 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री की घोषणा के एक दिन के तुरंत बाद 23 दिसंबर को राज्यसभा में पेश कर दिया गया संविधान संशोधन। राज्यसभा में जब पेश कर दिया गया तो राज्यसभा के बाद वो चला गया स्टैंडिंग कमिटी में, और स्टैंडिंग कमिटी ने जो जजमेंट दिया, स्टैंडिंग कमिटी ने जो भेजा वो भेजा 23-7 को, 23-7 को, और 23-7 को भेजने के बाद राज्यसभा ने पास किया है 17-8 को। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का घोषणा 22 तारीख को चला गया, क्या कहते हैं कि राज्यसभा में पेश हो गया दूसरे दिन संविधान संशोधन, उसके बाद स्टैंडिंग कमिटी में चला गया, स्टैंडिंग कमिटी में हर पार्टी के लोग हैं, वहां किसी का बस नहीं चलता है, उसके बाद वहां से आने के बाद फिर क्या कहते हैं कि 23 तारीख को अब जो भी हो मैं उसमें तर्क बने। तो 17 तारीख को जो ही 17-8 को 17 अगस्त को वहां से पास हुआ है, और मैं समझता हूं कि आज जो क्या कहते हैं कि यहां 22 तारीख को क्या कहते हैं उसके ऊपर में हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्कशन जो है कर रहे हैं। इसलिए उसमें मानते हैं कि मैं आपसे ये सहमत हूं कि विलंब तो काफी हुआ है, एक साल मानते कि 9 महीना 10 महीना करीब हुआ है, लेकिन उसमें यदि कहीं मामला है तो प्रोसीजर का है, और यदि मान लेते हैं कि संसद में कोई कार्रवाई होती है तो संसद में सिर्फ सरकार के पक्ष पर ही दोषारोपण नहीं हो सकता है, यदि डिले होता है तो फिर मान लेते हैं कि हर पक्ष के लोग क्या कहते हैं उसके लिए हैं। तो उसी तरीके से अब एक बात यह कहते हैं कि जहां तक 9 शेड्यूल का सवाल है, आपने ठीक कहा, क्या कहते हैं कि 9 शेड्यूल में
आना चाहिए। अब नाइन शेड्यूल के पहले जो क्या कहते हैं कि संविधान का जो संशोधन है वो तो नाइन शेड्यूल में नहीं आ सकता है। नाइन शेड्यूल में आने के पहले जो एक्ट हैं वो एक्ट क्या कहते हैं बनाने पड़ेंगे। और दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण का मामला है या बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो आरक्षण का मुद्दा बना है वो गवर्नमेंट ऑर्डर से बना है, जीओ से है, अभी तक वो एक्ट नहीं बन पाया है। नतीजा है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर जब होता है उसमें पिनिटिव क्राउड नहीं होता है, उसमें दंड का विधान नहीं होता है, और दंड का विधान तभी होता है जबकि वो एक्ट बनाया जाता है। और मैं समझता हूं कि संविधान संशोधन ये अलग एक मुद्दा है, और जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को जो जीओ है उसको एक्ट के रूप में क्या कहते हैं कि लाया जाए और उससे उसके बाद क्या कहते हैं कि उसको नाइन शेड्यूल में रखा जाए। मैंने तो वही कहा ना कि कहना आसान है लेकिन जब सरकार एक्ट लाने पर विचार करेगी इतना आसान नहीं है कि सब पक्ष के लोग उस समय में तुरंत जाकर के मुहर लगाने का काम करेंगे, वहां चलेगा इफ बट। हम लोग तो इसी में देखे हैं कि महिलाओं के ऊपर हमें आरक्षण का मुद्दा था, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, लीडर ऑफ द हाउस थे हम उस समय में, और देवेगौड़ा जी यहाँ बैठे हुए थे और कहा कि एक मिनट में पास होना चाहिए, बिना डिस्कशन का पास होना चाहिए। संजोग से मशीन खराब हो गया और आधा घंटा के लिए हाउस एडजर्न हो गया, उसी में मामला पलटा खाया तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए कहना और करने में बहुत आसमान, एक्ट और फैक्ट और टैक्ट, सरकार को तीनों तरीके से चलना पड़ता है, एक्ट भी देखना पड़ता है, फैक्ट भी देखना पड़ता है और टैक्टफुली काम भी करना पड़ता है। इसलिए सर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मान्य सदस्य की राय है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में, मैं मुझको इस बात का खुशी है कि आजादी के 50 साल के बाद, आजादी के 53 साल गुजर गए और क्या कहते हैं गणतंत्र के 50 साल क्या कहते हैं हो गए, लेकिन इस मामले में जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का वीकर सेक्शन का सवाल आता है पूरा का पूरा सदन एक भावना से क्या कहते हैं एक साथ रहता है। हाँ, उसमें संशोधन दिया जाता है, उसमें सुझाव दिए जाते हैं और दिया भी जाना चाहिए और सरकार को उसके ऊपर में विचार भी किया जाना चाहिए, लेकिन आज जो ये मुद्दा आया है मैं समझता हूं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है इसके इम्पोर्टेंस को कम आंकना नहीं चाहिए। अभी दो इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है, एक जो सीलिंग था 50% के ऊपर में वो सीलिंग को खत्म करके और उसका जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो बंद हो गया था उसको पुनः चालू करने का सरकार ने जो निर्णय लिया, और दूसरा निर्णय जो है ये ऐतिहासिक निर्णय प्रमोशन में रिजर्वेशन जो खत्म कर दिया गया था उस प्रमोशन का जो रिजर्वेशन का जो क्लॉज आया है मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कदम है और पूरे सदन को एक साथ होकर के इसको पास करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माणिक रावजी गावित।